अय्यूब की पुस्तक अध्याय 14। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 14। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। वह फूल की नाई खिलता फिर तोड़ा जाता है। वह छाया की रीति पर ढल जाता और कहीं ठहरता नहीं। फिर क्या तू ऐसे पर दृष्टि लगाता है? क्या तू मुझे अपने साथ कचहरी में घसीटता है? अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु को कौन निकाल सकता है? कोई नहीं। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है और तूने उसके लिए ऐसा सिवाना बांधा है जिसे वह पार नहीं कर सकता। इस कारण उससे अपना मुंह फेर ले कि वह आराम करे जब तक कि वह मजदूर की नाई अपना दिन पूरा न कर ले। वृक्ष की तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उससे नर्म नर्म डालियां निकलती ही रहेगी। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका ठुंड मिट्टी में सूख भी जाए तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा और पौधे की नाई उसमें शाखाएं फूटेगी। परंतु पुरुष मर जाता है और पड़ा रहता है। जब उसका प्राण छूट गया तब वह कहाँ रहा? जैसे नील नदी का जल घट जाता है और जैसे महानद का जल सूखते सूखते सूख जाता है वैसे ही मनुष्य लेट जाता और फिर नहीं उठता। जब तक आकाश बना रहेगा तब तक लोग न जगेंगे और न उनकी नींद टूटेगी। भला होता कि तू मुझे अधोलोक में छिपा लेता और जब तक तेरा कोप ठंडा न हो जाए तब तक मुझे छिपाए रखता और मेरे लिए समय नियुक्त करके फिर मेरी शुद्धि लेता। यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? जब तक मेरा छुटकारा न होता तब तक मैं अपनी कठिन सेवा के सारे दिन आशा लगाए रहता। तू मुझे बुलाता और मैं बोलता, तुझे अपने हाथ के बनाए हुए काम की अभिलाषा होती। परंतु अब तू मेरे पग पग को गिनता है। क्या तू मेरे पाप की ताक में लगा नहीं रहता? मेरे अपराध छाप लगी हुई थैली में है और तूने मेरे अधर्म को सी रखा है और निश्चय पहाड़ भी गिरते गिरते नाश हो जाते हैं और चट्टान अपने स्थान से हट जाती है और पत्थर जल से घिस जाते हैं और पृथ्वी की धूली उसकी बाढ़ से बहाई जाती है। उसी प्रकार तू मनुष्य की आशा को मिटा देता है। तू सदा उस पर प्रबल होता और वह जाता रहता है। तू उसका चेहरा बिगाड़कर उसे निकाल देता है। उसके पुत्रों की बड़ाई होती है और यह उसे नहीं सूझता और उनकी घटी होती है परंतु वह उनका हाल नहीं जानता। केवल अपने ही कारण उसकी देह को दुख होता है और अपने ही कारण उसका प्राण अंदर ही अंदर शोकित रहता है।